हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम विलेन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जिनकी तैयारी एकदम जीरो लेवल से हो रही है, रसगुल्लों कमर कस लीजिए। आज के इस वीडियो में हम विलेन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को समझने वाले हैं। और इसके पहले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, कि विले क्या है, विलायक क्या है, विलेन क्या है और विलेन का गुण क्या होता है, उसको अगर देखना है बच्चों, नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले उसको देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज तीनों को बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं। कितना भी आप वीक हो, डोंट वरी, है ना। स्टार्ट हो गई है क्लास। अब सारे प्यारे रसगुल्लों को, अपने यार दोस्त जो भी हैं, वीडियो को शेयर मार दीजिए और उनकी भी तैयारी बढ़िया से हो सके, क्योंकि काम से हम भी फ्री हो चुके हैं और आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए यहां से हम विलेन में पार्ट वन में हमने बताया बच्चों, हम सबसे पहले समझेंगे मोलरता को। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है रसगुल्लों, मोलरता, है ना। टॉपिक भी एकदम आप लोगों की ही तरह प्यारा है, आप लोगों की ही तरह मजेदार है। तो इसको अपन बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि मोलरता कहते किसे हैं। ध्यान से समझना, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलना। और जो भी आपके पास है, यानी कॉपी पेन लेकर के बैठो बच्चों और सारी चीजों को बोतल में उतारते चलो, ठीक। चलिए यहां पे हम मान लेते हैं बच्चों कोई विलेन है। अब विलेन का मतलब हमने बताया ना, दो या दो से अधिक घटक के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसको अपन विलेन कहते हैं। तो भाई यहां पर एक विलेन है, ठीक। ये क्या है बच्चों, पूर्ण मतलब ये सॉल्यूशन है, विलेन है। और इस विलेन को क्या कहते हैं अपन, ध्यान से समझना, इसी में दो या दो से अधिक घटक का मिश्रण होता है, चाहे पानी या ग्लूकोज का हो, नमक या पानी का हो, ठीक है ना, चाहे चीनी यानी शर्करा और पानी का घोल हो, तो समांगी मिश्रण, ठीक, उसी को कहते हैं विलेन। तो परिभाषा हमें मोलरता यानी मोलरिटी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, तो मोलरता कहते किसे हैं। तो ये कोई विलेन है और इसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं बच्चों क्या है, एक लीटर है, ठीक, एक लीटर है। और इसमें एक लीटर विलेन है और इसमें आपने बाहर से कोई क्या है, कोई भी पदार्थ घोल दिया जाए, ठीक है ना, पदार्थ घोल दिया है और जो भी घोलते हैं उसको अपन विलेय बोलते हैं, ठीक। चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल है परिभाषा मोलरता। क्या होता है कि किसी विलेन के एक लीटर में, ठीक, ये कोई विलेन है बच्चों, हमने बताया क्वांटिटी कितनी है, एक लीटर, तो एक लीटर विलेन कह दीजिए या किसी विलेन के एक लीटर में घुले विले के, ये भाई जो भी घोलते हमने उसको बोला विले, और जितना इसका मोल आपने घोल दिया यानी विले के मोलों को यानी यन से दर्शाते हैं उसी को कहते हैं मोलरता। समझ में आ गया बच्चों, क्या हमने कहा, किसी विलयन के एक लीटर में घुले विले के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। एक लीटर विलयन है, उसमें आपने विले घोल दिया है और उतना मतलब जो विले घोला है कितना है बच्चों, एक मोल है, मान लेते हैं वो मोल में है, ठीक है ना। तो यहां पे परिभाषा हम लिखेंगे कि किसी, ठीक, किसी विलयन के, ध्यान से समझना बच्चों, किसी विलयन के एक लीटर, ठीक, या एक लीटर विलयन में कोई भी बोल दो, किसी विलयन के एक लीटर में, एक लीटर में घुले, एक लीटर में घुले विले के मोलों की संख्या को, विले के मोलों की, मोलों की संख्या को, संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विलेन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, है ना। आसान, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बच्चों। हमने बताया कोई विलेन है, एक लीटर है और उसमें आपने किसी पदार्थ यानी जो भी घोलते हैं बच्चों उसको विलेय कहते हैं और जिसमें घोलते हैं उसको विलायक कहते हैं, ठीक, इतना याद रखना। तो किसी विलेन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता यानी मोलरिटी
कहते हैं। ठीक, अब यहां से हम फार्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो यहां पर बच्चों ये मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, मोलरता बराबर, ठीक, विलेय के मोलों की संख्या, हिंदी में एक बार लिख देते हैं अपन, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटे यहां से हो जाएगा विलयन का आयतन। और विलयन का जो वॉल्यूम होगा बच्चों, आयतन, वो किसमें, लीटर में होगा। ठीक, अब इसको जब एमएल में लिखते हैं तब जाकर के 1000 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक लीटर में 1000 एमएल उसको बदला जाता है। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, या फिर इसको हमने बताया ना थोड़ा किस फॉर्म में, सिंबल के रूप में लिख लेते हैं, प्रतीक के रूप में। मोलरता बराबर कैसे लिखेंगे बच्चों, यहां से ध्यान से समझना, मोलरता को एम से दर्शाया जाता है, तो विलेय के मोलों की संख्या को एन से दर्शाते हैं, अपान विलयन का आयतन वॉल्यूम यानी वी होता है, और यहां पर जब एमएल में लिख देते हैं बच्चों तब जाकर के 1000 का गुणा करा देते हैं, क्योंकि हमेशा आपका जो सवाल में वॉल्यूम दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा बच्चों, वो हमेशा एमएल में होगा, इतना आप ध्यान रखना। ठीक, बट एक चीज ध्यान देना बच्चों, जो एन बराबर होता है वो मेरे प्यारे रसूलों इतना याद रखना, एन बराबर होता है डब्ल्यू बाई एम, यानी मोलों की संख्या बराबर, ठीक, इधर लिख देते हैं अपन, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की जब भी संख्या निकालते हैं बच्चों तो संख्या बराबर क्या होता है, भार, यानी जिसका मतलब जिस पदार्थ को निकाले, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बटे यहां पर आयतन, सॉरी अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो इतना ध्यान देना। ठीक, यानी मोलों की संख्या बराबर W बाई एम, W क्या विलेय का भार, M क्या है उसका अणुभार है। ठीक, तो इसको आप जब पूरा तोड़ोगे, जो मेन फार्मूला निकल कर आएगा बच्चों, जो जिस पर आपका न्यूमेरिकल होगा, वो मोलरता यानी M बराबर क्या होता है, N के स्थान पे हमने W बाई एम जब लिखोगे तो ये हो जाएगा W अपान, यहाँ पे M नीचे हो जाएगा, गुणे ये V है, वॉल्यूम है बच्चों, ml में ही रहेगा, और उसके बाद 1000। ठीक, तो ये आपका मेन फार्मूला किसके बराबर, मोलरता, ठीक, मोलरता के बराबर हो जाता है। अब यहां से सैंबल को अपन लिखना चाहते हैं रसगुल्लों तो लिख सकते हैं, स्मॉल जो W है बच्चों वो क्या है, विलेय का भार है, ठीक है ना, क्या है, विलेय का भार है। अब उसके बाद जो स्मॉल m है बच्चों वो क्या है, विलेय का अणुभार, यानी जो चीज आपने घोला है उसका अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार है। ठीक, अब उसके बाद जो ये है, क्या कहते हैं, v है बच्चों, वो क्या है, v को अपन जानते ही हैं कि ये है विलयन का आयतन, ठीक, विलयन का आयतन। तो इतनी चीज याद रखना बच्चों, ये हो जाता है कंप्लीट मोलरता का फार्मूला, है ना। तो मोलरता में हमने क्या बताया, किसी विलयन के एक लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही बच्चों कहते हैं विलयन की मोलरता, यानी मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। जब इसको बच्चों यहां पर एमएल में लिखते हैं तो 1000 का गुणा कर देते हैं, और चूंकि एन बराबर होता है डब्ल्यू बाई एम, यानी मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, तो इसलिए यहां पर हम रख देंगे डब्ल्यू बाई एम, वी अपने स्थान पर है और गुणे का 1000, और सारे सैंबल का मतलब लिख दिया, और इसी पर आपका एक जरूर एक न्यूमेरिकल जरूर आता है बच्चों। ठीक, तो ये रहा मोलरता। तो चलिए जल्दी से इसको रसगुल्लों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं मोलरता को। चलिए अब समझ लेते हैं कि मोलरता क्या है। देखिए बच्चों, मोलरता मोललता, बस थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, एक क्या है, उसको मोलरटी कहते हैं, इसको मोललटी कहते हैं। ठीक, यहां पर भी मोललता और मोलरता, बस थोड़ा सा अंतर है, और उसी को अपन यहां से समझ लेते हैं। ठीक, तो दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मोललता क्या है, मोलरता क्या है। देखिए, इसके पहले हमने बताया, मान लेते हैं ये पूरा सॉल्यूशन है, और एक चीज इसमें हमने बताया बच्चों, जो चीज
घोलते हैं उसको विलेय कहते हैं और जिसमें घोलते हैं उसको विलायक कहते हैं। जैसे पानी में आपने नमक घोला है तो रसगुल्लो नमक क्या हो गया, विलेय हो गया है, और पानी में घोला है तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। तो अब की बार क्या हो जाता है, मान लेते हैं यहां पर ये क्या है, विलायक है, ठीक है ना, विलायक यानी जल है, और इस विलायक की क्वांटिटी 1 kg है, ठीक। और इसमें आपने वही चीज फिर से किया है, और कोई क्या है, आपने कोई पदार्थ घोल दिया है बच्चों, और उस जो भी घोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, है ना। यहां पर विलेय के जो मोल आपको घोलना है इसमें ध्यान देना। अब परिभाषा में भी देखिए, हमने पूरा मिटाया नहीं है क्योंकि बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है, और क्या अंतर है वही समझना है। उसमें हमने क्या बताया मोलरता में कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों, किसी विलायक, यहां पर क्या हो जाएगा, किसी विलायक के 1 kg। देखिए अंतर देखिए, उसमें 1 लीटर विलयन था लेकिन इसमें विलायक का 1 kg है, ठीक ना, वहां पर 1 लीटर, यहां पर 1 kg, वहां विलयन का आयतन, यहां पे विलायक का भार है, इतना समझना है। तो ये क्या है बच्चों, पूरा हमने बताया ना कि इसमें जो पानी भरा हुआ उसको अपन विलायक बोलते हैं, और उसमें जो चीज घोल रहे उसको विलेय कहते हैं। तो वही चीज क्या लिखना है कि किसी विलायक के, ये विलायक पूरा विलायक है बच्चों, किसी विलायक के 1 kg में घुले क्या है, विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोललता कहते हैं, है ना। आसान, कोई ज्यादा इसमें आपको घबराना नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर, इसका हिंदी फॉर्म में लिखेंगे तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा ऊपर, और नीचे वहां पर जो विलयन का आयतन था वहीं पर क्या हो जाएगा बच्चों, विलायक का भार, विलायक का भार, और किसमें, केजी में, है ना, बस इतना। तो इसको भी एम से ही लिखते हैं, हालांकि दर्शाते इसको भी एम से ही है, या इसको ऐसे हमने बताया ना, एम बराबर जब लिखना चाहेंगे, एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या को हम एन से ही, और विलायक का भार कैपिटल डब्लू हो जाएगा, और यहां पर जब केजी से इसको हम ग्राम में बदलेंगे, इसमें भी वही सीन, 1000 का गुणा हो जाएगा। अब चूंकि बच्चों यहां पर क्या होता है, चूंकि एन बराबर होता है डब्लू बाई एम, इसलिए क्या हो जाएगा, फिर वही चीज, एन का वैल्यू जब पुट कर देंगे रसगुल्लों, तो आपका फार्मूला निकल कर आया, एम बराबर एन के स्थान पे डब्लू बाई एम हो जाएगा, और गुणे यहां पर कैपिटल डब्लू यानी विलायक का भार, और ये इस किस में रहेगा बच्चों, ग्राम में रहेगा, इतना ध्यान देना, ग्राम में रहेगा, और यहां पर 1000 का गुणा हो जाएगा। देखिए कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, जहां पर डब्लू आ गया है वहीं पर उसमें वी था, ठीक, यहां जानी यानी जहां पर वी था, वैल्यूम था, आयतन था, वहीं पर हमने क्या, विलायक का भार रख दिया, कैपिटल डब्लू रख दिया गया। सेम प्रोसेस यहां पर भी है बच्चों, यानी जो ये स्मॉल डब्लू क्या है, उसके बाद स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है, बस इसमें भी वही चीज है भाई, स्मॉल जो डब्लू है वो क्या है बच्चों, विलेय का भार है ना, और ये क्या है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार, ठीक। और उसके बाद क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, बस इतना सा अंतर है, इतना परिवर्तन है। परिभाषा क्या है कि किसी विलायक के 1 kg में यानी 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपन विलायक का भार केजी में जब लिखेंगे तो 1000 का गुणा नहीं कराएंगे, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो जब यहां पर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू हमेशा इसमें भी वही चीज रहेगा, जो विलायक का भार होगा वो ग्राम में रहेगा, 450 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम ऐसे देगा, ठीक। या इसको लिखेंगे कि m बराबर स्मॉल w रहेगा, w बाई एम कैपिटल w, और इस ये क्या रहेगा, ग्राम में ही रहेगा, 1000। किसका मतलब क्या होता है, सारी चीजों को अपन लिख दिए हैं, ठीक। तो चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम समझ लेते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज को।
चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है ना। और जो भी समझ रहे होंगे कि भाई पहला चैप्टर कहां गया ठोस अवस्था, तो जिनको नहीं पता है इतना ध्यान रखना कि वो क्या है अब भाई सिलेबस में नहीं है, यानी पहला जो चैप्टर है बच्चों उसे क्या है रिमूव कर दिया गया है, इतना ध्यान रखना। ओके चलिए अब हम समझ लेते हैं बच्चों मोल प्रभाज या फिर मोल अंश क्या चीज है। ठीक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक ये भी है रसगुल्लों, इसलिए इसको भी बहुत ही केयरफुली एक एक टॉपिक अच्छे से एक एक वर्ड को बढ़िया तरीके से सीखते चलना। चलिए बच्चों इसको भी समझाने से पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने यहां पर कोई एक सॉल्यूशन बोले तो हम क्या बना रहे हैं कि एक विलयन इस पात्र में भरा हुआ है। ठीक, यानी कोई मिश्रण है जिसमें दो घटक हैं, समझ लेते हैं बहुत सिंपल है, यहां पर क्या है दो घटक हैं, ठीक है ना। इसमें यह कोई सॉल्यूशन है रसगुल्लों, इसमें क्या है दो घटक इन्वॉल्व हैं, ठीक। और इसमें दो घटक कौन कौन से हैं, मान लेते हैं एक ए है और दूसरा बी है, ठीक। ए और एक क्या है बी है, ए और बी दो घटक से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें ए और बी दो क्या हैं घटक हैं इस मिश्रण में। अब मोल प्रभाज क्या कहता है, मोल अंश क्या कहता है वो समझ लेते हैं। यानी मोल अंश किसे कहते हैं, तो किसी मिश्रण में, ये कोई मिश्रण है हमने बताया ना, विलयन या मिश्रण बोल लो एक ही है, ठीक। तो किसी मिश्रण में क्या होता है, किसी घटक का जो मोल अंश या मोल प्रभाज होता है वो उस मिश्रण में, यानी उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। नहीं समझ में आया ऐसे में, चले कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्योंकि एक बार में तो भाई क्लियर होगा नहीं, अच्छे से समझना है अच्छे से सीखना है तो बढ़िया तरीके से एकदम दिमाग ठंडा रख के सीखिए। हमने क्या बताया कि इसमें ए और बी दो घटक हैं, ठीक। और इसमें ए और बी का दोनों का अलग अलग मोल अंश निकालना जरूरी नहीं, दो तीन भी रख सकते हैं चार भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो घटक होना चाहिए। तो कह रहा है कि इसमें किसी मिश्रण में उपस्थित घटक का जो मोल अंश होता है उस घटक के मोलों की संख्या और कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। परिभाषा लिखते हैं फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्या बताया बच्चों, किसी मिश्रण में एक घटक, एक नहीं लिखेंगे किसी लिख देते हैं, किसी मिश्रण में किसी घटक या अवयव कुछ भी लिखो, किसी घटक का मोल अंश, का मोल अंश बोलो या मोल प्रभाज, मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। ये कहता है बच्चों डेफिनेशन परिभाषा। अब इसको दर्शाते किससे हैं, एक्स से दर्शाते हैं मोल अंश को, ठीक। यानी इसे एक्स से क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं मतलब दर्शाते हैं, ठीक। अब यहां पर हमने यही कहा, इसको अगर हम लिखेंगे तो एक्स क्या है हमने बताया, इसको दर्शाने के लिए एक्स का प्रयोग करते हैं, ए लिख दिए तो इसका मतलब ए के मोलों की संख्या हो गया। तो कह रहा है कि किसी एक घटक के जो मोलों की संख्या होती, मतलब मोल अंश होता है उस घटक के, यानी ए के मोलों की संख्या, मतलब बच्चों एन ए लिखेंगे, तथा कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल का मतलब क्या है एन ए प्लस एन बी, कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यही तो कह रहा है ना, यही तो कह रहा है बच्चों मोल अंश क्या बोल रहा है, यानी मोल अंश की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा इस मिश्रण में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात
के बराबर होता है, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो यक्ष ए का, जैसे यक्ष ए का निकालना है तो ए के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या, इतना समझना है। इसी तरह बच्चों अगर हम यहां पे एक्स बी निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बी के घटक के मोलों की संख्या और नीचे क्या है, कुल, ठीक, कुल घटक के मोलों की संख्या। तो इतना समझ में आ गया ना कि जिस चीज का मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना हो बच्चों, उस घटक के मोलों की संख्या को अपन ऊपर रखेंगे और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या होगी। ठीक, इतना ध्यान रखना। जहां पे यक्ष, देखिए अब सब सैंपल भी लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आप वीक भी होंगे रसगुल्लों, डोंट वरी, एक एक चीजों को अपन बढ़िया तरीके से पोस्टमार्टम करते चलेंगे। एक्स क्या है, तो यहां पर ए का मोल अंश, मोल अंश बोलिए रसगुल्लों या मोल प्रभाज, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। और एक्स बी क्या है, तो भाई वो जब एक्स ए क्या है, ए का मोल अंश है, तो एक्स बी क्या हो जाएगा, यानी बी का मोल अंश या बी का मोल प्रभाज, ठीक है ना, बी का मोल अंश। ठीक, अब उसके बाद यहां पर हम देख लेंगे एन ए क्या है, एन ए क्या है, तो ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हो गया बच्चों, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर जो एन बी है वो क्या है, भाई यहां पे एन बी है तो यानी बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या, यानी यहां से ए और बी हमने दर्शाया, वहां पर क्या देगा भाई, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल दे देगा, एथिल अल्कोहल जल दे देगा, एथिल अल्कोहल या फिर उसके बाद बोल देगा भाई शर्करा है या फिर उसमें क्या है जल है, तो कई घटक मिला देगा, इतना ध्यान देना। ठीक, तो यहां पर ये समझ गए ना, और यही एन ए एन बी ये क्या है, कुल घटक के मोलों की संख्या का योग होता है ना, तो इतना ध्यान में रखना बच्चों, ठीक, कि जो किसी मिश्रण, ठीक है ना, किसी मिश्रण में लिखना है, भाई में तो लिखा ही नहीं, हाँ किसी मिश्रण में, किसी मिश्रण में किसी घटक का जो मोल अंश होता है, ये कोई भाई कोई मिश्रण है और इस मिश्रण में हमने बताया दो घटक हैं, तो यहां पर एक घटक, तो किसी मिश्रण में क्या होता है, किसी घटक का जो मोल अंश होता है यानी मोल प्रभाज होता है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। बात क्लियर है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है रसगुल्लों, बस इतना सा लिखना है, मोल अंश या मोल प्रभाज हो जाएगा, है ना। तो यहां से मोलरता, मोललता, मोल अंश, ठीक, ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। अब यहां पर बच्चों एक चीज और ध्यान देना, यहां पर जब सवाल लगाएंगे ना, अभी केवल हम टॉपिक देख रहे हैं, थ्योरी बेस्ड जो होंगे, जो डेफिनेशन है, फिर बाकी सारी चीजों को समझने के बाद हम बाद में पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक, तो यहां पर बच्चों इसका यानी ऐसा नहीं कि यहां पर एन ए एन बी दिया रहेगा, नो, यहां पर भी वही सीन होगा, यानी एन का मान आपको निकालना होगा किससे, डब्ल्यू बाई एम से, ठीक, लेकिन मेन फार्मूला आपका यही है भाई, ए का अलग निकाल लेंगे मोल का, बी का अलग ही मोलों की संख्या निकाल लेंगे, भाई अलग अलग दिया रहेगा तो अलग अलग निकाल भी लेंगे, ठीक है ना, ये तो केवल परिभाषा है, जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, डोंट वरी, एकदम मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि 2024 में बोर्ड एग्जाम फरवरी में होगा, बोर्ड ने पहले ही बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा, चलिए हम उसको दिखा देंगे कि कब बोर्ड ने कहा, इसलिए अभी से कमर कसकर तैयार हो जाइए, बिल्कुल वेट मत करिए कि शादी विवाह में हम नागिन डांस करेंगे और उसके बाद मजे करेंगे, भाई वो तो चलता रहेगा रसगुल्लों, लेकिन आपको तैयारी करना है तो भाई क्या है, अभी से एकदम लग जाना है, अभी से एकदम बढ़िया से पढ़ाई करना है, तभी जाकर के आपका 90 प्लस स्कोर होगा, 90% लाएंगे। ठीक, तो मिल रहे हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।